अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, स्कार्सिटी चॉइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि दुर्लभता और चयन में क्या समस्याएं आती है, दुर्लभता और चयन की समस्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अवसर लागत, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र। सबसे पहले दुर्लभता और चयन, इसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि आर्थिक समस्या क्या है। सबसे पहले समझना होता है कि आर्थिक समस्या आखिर क्या होती है। हर इंसान को अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ साधनों की जरूरत होती है। किसी भी परिवार में, किसी भी देश में, किसी भी बिजनेस में जो इनकम के सोर्सेज होते हैं या जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं और जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं। तो दुर्लभता और चयन की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब हमें सीमित साधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये क्या है, हमारी आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या मुख्यतः चुनाव की समस्या है। जब हमें चयन करना होता है कि हम कौन सी आवश्यकता को, कौन सी तो हमारी जो जरूरत है, नीड है, उसे हम प्रायोरिटी देंगे, उसे हम प्राथमिकता पर रखेंगे और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करेंगे। आवश्यकता को चुनना या फिर हम अपने साधनों के वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब जो हमारे इनकम के सोर्सेज हैं, जो इनकम के साधन हैं, उन्हें हम किस तरीके से, किस किस वे में, किन किन ऑल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हैं, ये हमारी चयन की समस्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसान है, वो एक भूमि पर गेहूं उगा सकता है, गन्ना उगा सकता है, लेकिन वो यह काम एक बार में एक साथ नहीं कर सकता, तो उसे ये चुनना होता है कि कौन सी फसल कब उगाई जाए। अगर वो सही मौसम में सही फसल उगाएगा तो उसकी आवश्यकताएं अच्छे से पूरी हो पाएंगी। इसमें क्या है, चयन करना पड़ रहा है। चयन की समस्या सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उत्पन्न होती है। अब टॉपिक आता है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। सबसे पहला पॉइंट, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का पहला कारण है कि हमारे जो साधन है वो बहुत सीमित है और आवश्यकताएं, दूसरा पॉइंट है हमारा आवश्यकताएं जो है वो बहुत अधिक है। तो सीमित साधनों में अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चयन करना पड़ता है और चयन अच्छे से ना हो तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। थर्ड इसका पॉइंट है आवश्यकताओं में तीव्रता से परिवर्तन। जब आवश्यकताएं बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं तो हमें चयन करना पड़ता है कि हम अपनी कौन सी आवश्यकता को कैसे पूरा करें, कब पूरा करें। इससे चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन अच्छे से ना हो तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की समस्या, किसी भी साधन के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार है, उसकी कपड़े की दुकान है, तो वो कपड़े की दुकान में कभी समर कलेक्शन, कभी विंटर कलेक्शन, कभी वेडिंग कलेक्शन बेच सकता है, लेकिन अपनी दुकान के हर प्रकार के यूज करने के लिए उसको सोचना होगा कि कब वो विंटर कलेक्शन बेचेगा, कब समर कलेक्शन बेचेगा या कब वेडिंग कलेक्शन बेचेगा। अगर ये चयन अच्छे से ना किया जाए तो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना चाहिए। पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये समझते हैं। वो साधन जो किसी भी व्यक्ति को वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करे क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्राफ के तौर पर समझते हैं, कोई फैक्ट्री है वो 70 बाइक बनाती है और 70 बाइक पे 30 कार बनाती है। अब उस फैक्ट्री को अगर कभी ऑर्डर मिले कि 70 से 80 बाइक बनाना है तो उसे सोचना पड़ेगा। अब यहाँ क्या आती है, चयन की समस्या, क्योंकि साधन सीमित है। ये जो 70 बाइक और 30 कार बनाने में पैसे लगते हैं, फैक्ट्री मशीन्स लगती हैं, ये सब सीमित है, तो इन्हीं सीमित साधनों में उसे अपनी असीमित आवश्यकता, मतलब ये 10 और एक्स्ट्रा यूनिट्स बनानी है। अब इन यूनिट्स को बनाने के लिए, ये 10 यूनिट्स यहाँ बनाने के लिए उसे कार की 10 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, मतलब यहाँ 20 यूनिट करना पड़ेगा। तो ये जो 10 यूनिट होती है छोड़ने की, ये 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए यहाँ जो 10 यूनिट छोड़ी गई, यही अवसर लागत है। किसी भी काम को करने के लिए छोड़ी गई इकाई अवसर लागत।
कहलाती है। छोड़ी गई इकाई की लागत अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि जो साधन है, उत्पत्ति के साधन है, वो सीमित है और बहुप्रयोगात्मक है। मतलब एक साधन के कई प्रकार से उपयोग किए जा सकते हैं। अवसर लागत की अवधारणा दो तथ्य पर आधारित है कि साधन सीमित है और बहुप्रयोगात्मक होते हैं। लेकिन साधन सीमित है तो हर प्रकार से, मतलब हर टाइम उसका यूज नहीं किया जा सकता। साधन सीमित है मतलब मशीनें सीमित है, तो यहाँ हम प्रोडक्शन बढ़ा के 30 बार नहीं बना सकते, इसलिए हमें यहाँ कुछ घटाना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोड़ी गई इकाइयों की लागत अवसर लागत कहलाती है। वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये छोड़ी गई इकाइयों की लागत यहाँ 10 इकाई एक्स्ट्रा बढ़ाने में प्रेरित करेगी कि ये काम और अच्छे से किया जाना चाहिए। यही क्या है, अवसर लागत है। अब है संभावना वक्र या उत्पादन संभावना वक्र की धारणा। उत्पादन संभावना वक्र इस विश्लेषण पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित है, लेकिन उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित है। उत्पादन की धारणा मतलब जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जहां किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां ये माना जाता है कि उत्पादन के जो साधन है वो तो सीमित है, लेकिन उत्पादन की जो वस्तुएं, उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं हैं, वो बहुत सारी है। जैसे यहाँ मशीनरी सेम है, लेकिन यहाँ बाइक्स भी बनाई जा रही है और यहाँ कार्स भी बनाई जा रही है। यानी साधन सीमित है, लेकिन उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित है। उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। मतलब पहले हम 70 और 30 ये दो संभावनाओं पर बना रहे थे, उसके बाद एक संभावना 80 और 20। अभी अगर कभी यहाँ कम 10 इकाई कम कर दी जाए तो हम यहाँ प्रोडक्शन 10 इकाई का और बढ़ा सकते हैं। ये एक संभावना और हो गई, यानी पहली संभावना एक, दूसरी बी और तीसरी सी। तो ये ए बी सी क्या है, तीन संभावना है, उत्पादन की संभावना है। मतलब हम किसी भी साधन को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, ये उत्पादन संभावनाएं हैं। इन्हें अगर और इस प्रकार से जो वक्र बनता है, ये उत्पादन संभावना वक्र है। और उत्पादन संभावनाओं को एक सारणी में व्यक्त किया जाए तो वे उत्पादन संभावना सारणी कहलाती है। उत्पादन संभावना वक्र कुछ मान्यताओं पर कार्य करता है, जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र में केवल दो वस्तुएं उत्पादित हो रही है, मतलब बाइक्स और कार्स। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है कि कोई भी साधन है उसके दो यूज हो सकते हैं, या तो केवल बाइक्स और कार्स बनाई जा सकती है, या कोई और दो वस्तुएं बनाई जा सकती है। मतलब साधनों के केवल दो वस्तु, उत्पत्ति के साधन पर दो ही वस्तुएं उत्पादित की जा रही है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की मात्रा निश्चित और स्थिर है। मतलब उत्पादन के साधन सीमित है और उनकी मात्रा भी स्थिर है और निश्चित है। प्रत्येक साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। कोई भी साधन काम कर निष्क्रिय नहीं है, मतलब दोनों साधन बराबर इक्वली काम कर रहे हैं। और साधन इतने सीमित है, मतलब लिमिटेड है, कि दोनों में से किसी एक का भी पूरा तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम 70 पे 30 बाइक बना रहे हैं, 30 कार बना रहे हैं 70 बाइक पे, तो 80 बाइक पे हमें 20 करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन लिमिटेड है। और 60 पर और अगर बाइक की कार्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो बाइक की प्रोडक्शन कम करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। थैंक यू।